खबर सुल्तानपुर से है, जहां लखनऊ जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति तीन पेशी से सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं पहुंचे। बताते चले कि आदर्श आचार संहिता के आरोप में वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान अमेठी कोतवाली में गायत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें विशेष शेष कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट योगेश यादव ने गुरुवार को मामले में फैसले की तारीख तय की थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति के जिला कारागार लखनऊ से आज के लिए तलबी थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति का अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने अर्जी देकर जेल प्रशासन पर दंडात्मक कार्यवाही की मांग किया है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जेल प्रशासन लखनऊ हरकत में आ गया है। कोर्ट ने कल के लिए फिर पूर्व मंत्री की तलबी लगाई है, तो वही पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे के मुताबिक 28 जनवरी 2012 को गायत्री प्रजापति अमेठी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ गए थे। आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। पुलिस ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया था।